हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो कई सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इस बार डीवन को बाहर लेके जाओ घुमाने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और सारे डॉग से ज्यादा एग्रेसिव है, तो इसीलिए उस दिन तो मैंने उसे बांधने की कोशिश भी नहीं करी। तो आज मैंने पापा जी को पहले कैनल पर भेज दिया है और अब जा रहा हूँ मैं, और पहले पापा जी से मैं उसे बंधवाऊंगा और उसके बाद उसे मैं घुमाने लेकर जाऊंगा। तो जल्दी से निकलते हैं कैनल के लिए और मिलवाता हूँ आपको आज डीवन से। शिल्पा गेट लगा। She all about the cloud, real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss her. So guys, कैनल पर तो मैं पहुंच गया हूँ। तो अंदर चलते हैं और पापा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आज डीवन को घुमाने दें वो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं डीवन का नाम लूंगा पापा जी मना कर देंगे एकदम से कि वो घुमाने लायक है ही नहीं, वो तुझे खींच लेगा, गिर देगा। तो गाइस, मुझे अभी अभी पता लगा डीवन के पैर में दोबारा से चोट लग गई है। डीवन, डीवन चल, बस आराम से डीवन, बस डीवन, बस निकल जाओ। इस डीवन को बाहर लेके तो मैं आ गया हूँ। वैसे इसके पैर में चोट है इसलिए थोड़ी सी कम जान लगाएगा जी, बुरी बात तो है, खैर इसके पैर में चोट है लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है भाई, जान कम लगाएगा थोड़ी सी। भाई इसे कहते हैं प्योर यूरोपियन डोबरमैन। क्या बात है डीवन, भाई जब से डीवन कैनल पर आया ना पहली बार जा रहा है कैनल से बाहर, तो इसलिए पूरे गुस्से में है ये। तो इसे जो कुछ भी नया दिखेगा ना ये सोचेगा कि उस पे अटैक कर दूं। बस डीवन आराम से। भाई आगे घोड़ा खड़ा है, घोड़ा दिख रहा है घोड़ा आपको। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ डीवन को घोड़े के पास ले जाकर देखते हैं, अगर ये मेरे हाथ में से छूट गया ना मुझे ऐसा लग रहा भाई घोड़े की टांग तो पकड़ ही लेगा ये। डीवन ने घोड़ा देख लिया, बस आराम से। इसके पैर में चोट है वरना इतनी जान लगाता ना भाई। घोड़े के पास ले जाकर देखते हैं, आराम से चलना, चल डीवन। ओ भाई जान लगा रहा है, बस। भाई थोड़ा सा और पास ले जाकर देखते हैं डीवन। भाई रुक जाओ। मुझे डर ये है कि यार ये रस्सी से ना निकल जाए, ये घोड़ा है कि घोड़ी है। बस बेटा आराम से। घोड़े के अलावा भाई से कुछ दिख नहीं रहा। तो यार पापा जी ने बोला था कि इसके पैर में चोट लग रही है ना, तो उससे ज्यादा जोर मत लगवाइयो, कभी चोट और भी गहरी हो जाए तो भाई जब तक ये घोड़ा यहाँ खड़ा रहेगा ना डीवन जान लगाते ही रहेगा, इसलिए इसे यहाँ से लेकर चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसके पैर में दर्द हो रहा है भाई, आजा देखो ये लंगड़ा रहा है थोड़ा। बस डीवन वो तो अच्छा हुआ ये एरिया थोड़ा सा घास फूस वाला है, अगर यहाँ पर सड़क होती ना तो इसके पैर छिल जाता, इसलिए मैं इसे सड़क से हटाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ ग्राउंड में। तो इसकी थोड़ी सी सैर भी हो गई और इतनी तकलीफ भी नहीं हुई उसे। डीवन बस यार क्या ढूंढ रहे हैं। तो भाई वापस से डीवन को कैनल पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि इसके लिए ज्यादा घूमना सही नहीं है। गाइस अगर डीवन ट्रेंड होता ना तो इतना मजा आता ना इसके साथ वीडियोस बनाने में, आराम से। तो भाई सड़क आ गई है, अब इसे आराम से ले जाना पड़ेगा। चल बेटे चल, प्यार से चलता रहे बेटा, प्यार से चलता रहे। गाड़ी आ गई, आराम से। कैनल पर तो पहुंच गए हैं, डीवन अंदर जाने के लिए तैयार है। डीवन का हलक सूख रहा है भाई, थक चुका है घूमकर, अब अंदर जाते ही इसे पानी पिलाता हूँ। आराम से। डीवन भाई पापा जी के साथ चल रहा है क्योंकि इसे पता है ना पापा जी या तो इसे खाने के लिए देंगे या पानी देंगे पीने के लिए। देखो भाई पापा जी के साथ जा रहा है। तो ये है जीना, जीना का पैर हो गया ठीक, अभी नहीं हुआ भाई, लड़ाई होगी भाई। अरे डीवन को पापा जी ने फिर से खोल दिया घूमने के लिए। डीवन सर वैसे तो डीवन बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन अपने कैनल के डॉग्स को ये कुछ नहीं कहता, सभी के साथ खेलता कूदता रहता है, तो यही बात मुझे इसमें सबसे अच्छी लगती है। तो यार अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, घर तो मैं आ गया हूँ। सो गाइस मैं दूध लेकर रूम में आ गया हूँ और टाइम हो रहा है रात के 11:46। भाई आज मैं कैनल पर गया और डीवन को घुमाने में बड़ा मजा आया। उसके पैर में चोट थी लेकिन फिर भी उसने इतनी जान लगाई, उसने रस्सी से मेरा हाथ भी लाल कर दिया था। तो सोचो अगर इसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाए और तब इसे घुमाने ले जाए तो कितनी पावर लगाएगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली वीडियो आप किस तरह की चाहते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।